हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल VITV में आपका जोरदार स्वागत है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब कोई नया यंग लड़का आता है, उस वक्त उसकी सोच बहुत छोटी होती है। वो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी वो कुछ ऐसी चीजें करता है और कुछ ऐसी चीजें उसके साथ होती हैं जो उसकी सोच को बदल कर रख देती हैं। एज एन इंश्योरेंस एजेंट उसे स्टेबल बना देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो बातें हैं जो नए एजेंट के साथ में होती हैं। इस बात को बताने के लिए आने वाले हैं मिस्टर अतुल जैन, जो कि एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर है और दिल्ली से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मैं पिछले 21 सालों के साथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ एसोसिएटेड हूं, और मेरा ये विश्वास है कि जो क्लाइंट हमारे पास 21 सालों के अंदर जितने लोग हमारे साथ जुड़े, हमने एक वन वे बनाने की कोशिश करी है, जिसमें एक बार जो आदमी हमारे साथ रह गया उसको वापस जाने का एग्जिट डोर हमने बंद करके रख रखा है। हमने ये इसलिए कि ऐसा रहा है कि कोशिश की गई है कि जो क्लाइंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको हमने उस तरीके से वैल्यू दी है, उस तरीके से उसका ध्यान रखा गया है कि जो एक बार हमारे साथ आ गया उसको दोबारा हमारे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखे ना। तो दोस्तों, जैसे हम लोग अपने लाइफ इंश्योरेंस के प्रोफेशन में पिछले 21 सालों से हैं, और जैसा मैंने भी एक नॉर्मल एजेंट की तरह, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की तरह से अपना कैरियर शुरू किया था, हर बार 12 पॉलिसीज के लिए मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा था। कुछ सालों तक ये स्ट्रगल चलता रहा, जैसे सभी लोग 12 पॉलिसी के लिए स्ट्रगल करते थे, उस तरीके से मेरा भी स्ट्रगल काफी समय तक चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने इस प्रोफेशन में आगे बढ़ता गया, तो मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं एक छोटा सा वाक्य आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं हमेशा अपने, मेरा अक्टूबर मंथ में एजेंसी का ईयर मंथ होता था, तो मैं हमेशा 12 केस मेरे मंथ अक्टूबर में ही पूरे होते थे। तो एक बार ऐसा मौका आया कि मेरे पास, मैंने कुछ पॉलिसीज कर दी और मार्च में ही मेरे 12 केसेस कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद मैं आराम से शांति से बैठ गया, क्योंकि मैं उस टाइम पे एज ए पार्ट टाइमर एजेंट काम करता था, कोई बहुत ज्यादा इंश्योरेंस की पॉलिसीज करता नहीं था। तो महीने, डेढ़ महीना कुछ निकल गया, तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री प्रदीप गुप्ता जी का मुझको फोन आया कि भाई अतुल, अपने मार्च में इस बार अपना सारे 12 केस जो है, जो अक्टूबर की जब मैं हमेशा करते थे, आप मार्च में ही कंप्लीट कर लिए, तो मैं चाहता हूं कि इस बार हम कुछ अच्छा करें। तो अभी आप एक डेढ़ महीने से आपका कोई भी कुछ मालूम नहीं है कि भाई कहाँ पे हो आप, क्या बात। मैं कहा नहीं सर, मैं काम कर रहा हूँ और ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, और मेरे पास कुछ केसेस भी हैं, लेकिन मैं अभी उनको अक्टूबर के महीने में डालूंगा, क्योंकि वो अगले साल के उसमें मेरे उसमें काम आएंगे। तो बींग ए गुरु, उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी तरीके से मुझे गाइड किया कि भाई आप ऐसा मत करो कि अभी अभी मार्च है और अक्टूबर आने में बहुत टाइम है, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप एक बार ये केसेस हमारे साथ अभी डाल दीजिए, और इनकेस अक्टूबर वाले अगले साल में आपको यदि कहीं पे भी कोई तकलीफ रहेगी, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बींग ए गुरु, उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया, और मैंने अपने केसेस, वो सारे जो 3-4-5 केसेस मेरे हाथ में थे, वो मैंने डाल दिए, इंश्योरेंस कंपनी में नंबर लगवा दिए। और उसके बाद वो मेरे गुरु मंत्र ही समझ लीजिए, वो ऐसा रहा कि उसके बाद मुझे पीछे देखने का मौका नहीं मिला। मैं कंटिन्यूस अपने 12 केस, क्या फिर 12, 15, 18, 20, 25, और उस पर्टिकुलर ईयर की बात मुझे आपको याद बताते हुए अच्छा लगेगा कि उस साल अक्टूबर तक ही हमने 20 केस कंप्लीट कर दिए थे। तो उसके बाद से वो जो 12 पॉलिसीज का जो फियर रहा, वो हमारा हाथ से, दिमाग से निकल गया, और उसके बाद हम कंटिन्यूस अपना पार्ट टाइमर में भी मैं 30, 35, 40 पॉलिसीज कुछ करता रहा। जब मैं पॉलिसीज करता था, तो उसके साथ साथ मैंने अपना एक मतलब एक सिस्टम बनाया था कि मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज को बहुत कंसिडर करता था। जब भी किसी भी क्लाइंट को मैं जब एक पॉलिसी बॉन्ड देता था, उस टाइम पे जब मेरा काम बहुत थोड़ा सा होता था, तब भी मैंने अपने पर्सनलाइज पॉलिसी बॉन्ड फोल्डर बनवाए थे, और उस फोल्डर के अंदर एक मैं वेलकम लेटर के साथ एक लेटर दे के आता था, और उनको बोलता था कि सर ये आपने, ये पॉलिसी है आपकी, ये क्योंकि ये अभी 15 साल, 20 साल, 25 साल की पॉलिसी है, ये काफी लंबे समय तक चलेगी, तो प्लीज आप इसको संभाल के रखिएगा। ये फाइल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यदि आपको मैं अकेला खाली पॉलिसी बॉन्ड देता, तो आपको ये वो मिसप्लेस हो सकता था। इस फाइल में यदि ये पॉलिसी बॉन्ड रहेगा, तो मुझे लगता है कि इसके घूमने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो इस तरीके से मैं अपना शुरू से अपने क्लाइंट्स को एक अलग से सर्विसेज देता रहा। उसके बाद यदि मुझे किसी भी क्लाइंट को कभी भी
प्रीमियम के लिए हमने कभी उसको बिफोर टाइम हमारे मैं उसको कॉल करता था, बिफोर टाइम मैं चेक कलेक्ट करता था, उसकी रिसिप्ट आ जाती थी, उसको मैं कोरियर करता था। तो कभी भी क्लाइंट को कभी ये जरूर होता था, ऐसा भी हमारे मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उन लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि हमारे ऑफिस में जब से मैं अकेला, पहले मैं अकेला काम करता था, अब मेरी टीम भी काम कर रही है साथ में, तो हम लोग हमारे यहाँ से LIC की रसीद क्लाइंट के पास हमेशा पहुंचती थी। ये जरूर होता था कि कभी इनकम टैक्स के टाइम पे जब मार्च में हमने उन्होंने अपने ऑफिस में डिक्लेरेशन देनी होती थी तो उनको वो रसीद नहीं मिलती थी, तो फिर वो मेरे से रिक्वेस्ट करते थे मार्च में कि अतुल जी वो जल्दी से हमारे को वो एक रसीद क्या अरेंज कर दो। तो जब पहले जब मैं अकेले वन मैन आर्मी था तो मुझे LIC से ही इनकम टैक्स सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे जाके जैसे जैसे मेरा मेंबरशिप इंक्रीज होती रही, मैं उसके बाद फिर DM क्लब मेंबर बना, फिर मैं जॉन ZM क्लब मेंबर बना, तो उसके बाद हमारे को LIC की तरफ से एक पोर्टल मिल गया जिसमें हमें बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली कि ये इनकम टैक्स सर्टिफिकेट्स वगैरह हम अपने ऑफिस से ही बना के दे सकते थे, निकाल के दे सकते थे अपने मर्चेंट पोर्टल के थ्रू। तो धीरे और उसके बाद यदि किसी भी क्लाइंट को कभी भी लोन की जरूरत पड़ी तो मैंने उसको उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे उसको लोन दिलवाया। कभी उसकी मेरा कोशिश है जैसे मतलब किसी के मेंबर के फैमिली मेंबर्स में किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई और मिसहैपनिंग होने के बाद मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती थी कि उसका नॉमिनेशन इमीडिएटली चेंज कराऊं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि कभी भी किसी की पॉलिसी में कोई ऐसा चीज रह जाए जो बाद में फिर एक तकलीफ बने। मैं जब भी पॉलिसी की FPR आती थी उसको पूरा एक एक चीज को अपने डाटा, मेरे पास डाटा शीट बनाता था, मैं उस डाटा शीट के साथ एक एक चीज चेक करता था कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, इसके अंदर कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो बाद में फिर क्लाइंट को बाद में दिक्कत आए, उसमें उसका नाम सही है, उसके नॉमिनेशन की स्पेलिंग सही है, उसका एड्रेस सही है, ये सब चीजें मैं शुरू से ही चेक करता रहा। तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जब अब लोगों की आज आज हमें अपने 20 साल 21 साल जो पहले हमने जो मेहनत करी उससे आज हमें ये बेनिफिट दिखता है कि आज हमारे जब क्लाइंट्स की मेच्योरिटी आती है तो हम उससे जब पैन कार्ड आधार कार्ड मांगते हैं और जिस चीज मांगते हैं तो सीधा हमारे को इमीडिएटली क्लाइंट को किसी भी उसमें पॉलिसी के अंदर नेम मिसमैच, एड्रेस मिसमैच, फादर नेम मिसमैच ये सब चीजें नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम पे हमने शुरू में कुछ अच्छी चीजें अडॉप्ट करी थी। जब मैं अकेला काम करता था तब मुझे मैंने चूज सिस्टम बनाए, अब मेरी टीम काम कर रही है, उन सिस्टम को मैंने उनको डाउनलोड कर दिया, अब वो सब चीजों का एग्जैक्टली सेम तरीके से वो ध्यान रखती हैं। अब किसी भी क्लाइंट को यदि कभी लोन चाहिए होता है तो हम उसको बेशक हमें मालूम है कि हम उसको 2 या 3 दिन में लोन दिला देंगे, लेकिन फिर भी हम उससे बफर के लिए, क्योंकि हमें कई बार हमें भी नहीं पता होता कि LIC के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। LIC में कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार जिस सर या मैडम ने उस लोन को अप्रूव करना है या लोन देने हैं वो मैडम किसी वजह से ऑफिस नहीं आ रही, या कोई सर वो किसी वजह से ऑफिस नहीं आ रहे, या कभी जो दो अथॉरिटीज चाहिए होती हैं, कभी लोन ज्यादा है या सरेंडर का अमाउंट सरेंडर करनी है पॉलिसी, उसमें कोई एक या दो जनों की रिक्वायरमेंट है, एक एक मैनेजर आ रहे हैं दूसरे मैनेजर नहीं आ रहे, तो हमें कुछ पता नहीं होता कि LIC में भाई कितना टाइम लग सकता है। तो हम हमेशा मेरी कोशिश रही है, मैं एक दो दो चार दिन का टाइम मैं आगे लेता था क्लाइंट से, यदि मुझे पता था कि 2 या 3 भी दिन में हम दे सकते हैं तो मैं उसे क्लाइंट को पहले से ही बोलता हूँ कि सर 7th वर्किंग डे लगेंगे, मेरी अश्योरेंस है कि 7th वर्किंग डे पे ये पैसे आपके पास आपके अकाउंट में फॉर श्योर होंगे। और उससे दो चीजें अच्छी होती थी, यदि हम पहली बात तो हम तीसरे चौथे दिन या दूसरे दिन या जब भी हम पैसे भिजवाते थे यदि वो 7 दिन से पहले वो पैसे पहुंच जाते थे तो उस क्लाइंट के दिमाग में एक अच्छी इंप्रेशन रहता था हमारा कि भाई हमने उनकी बात जो हमने अपने ऊपर जो एक जॉब लिया था हमने उसको बिफोर टाइम फुलफिल किया। यदि हम उसी 2-3 दिन के टाइम को यदि हम क्लाइंट को भी 2-3 दिन बोल दें, और किसी वजह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में यदि कोई ऐसी चीज है कि मैंने कोई मैनेजर नहीं है या किसी भी रीजन से कभी कई बार क्या होता है टेक्निकल एरर्स होते हैं कि सिस्टम नहीं रहा होता, एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, कई बार क्या होता है कि नेफ्ट अपडेट करने में एक एक दो दो दिन लग जाता है किसी टेक्निकल रीजन से, हमें नहीं पता कि कहां पे दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आपने क्लाइंट को कोई एक पर्टिकुलर डेट दे दी और उस टाइम पे यदि आपने उसको उसको उस टाइम पे उस पे हेल्प नहीं करी तो डेफिनेटली क्लाइंट को लगेगा कि यार, क्योंकि वो हमारे इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्लाइंट ने हमारे से पॉलिसी ली है तो उसका ये सोचना बनता है कि वो भी चाहेगा कि भाई उसको जस्ट टाइम पे जरूरत है पैसे की, उसको पैसा टाइम पे मिले। और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि यदि कोई क्लाइंट अपनी पॉलिसी पे लोन ले रहा है या कोई क्लाइंट अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा रहा है तो उसकी कितनी बड़ी मजबूरी होगी, कोई
शौक ले, किसी को शौक नहीं है कि वो अपनी पॉलिसी को लोन ले या अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराए। कोई ना कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट या फाइनेंशियल मजबूरी रही होगी, उस चीज की वजह से उन्होंने को ये डिसीजंस लेना पड़ता है। तो मैं उसको अपनी एक हाईएस्ट प्रायोरिटी मानता हूं, और मैं अपनी टीम को भी, जब अपनी टीम को भी ये डाउनलोड कर रखा है कि ये सारे काम जो जो हमारे को क्लाइंट को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो हम उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं। इसके साथ ही मैं आज का अपना अपनी जो मेरा आज का जो टॉपिक था उसको मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आज आप, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा। मैं BITV का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। BITV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप BITV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। BITV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।